युगो युगो से चला आ रहा है कि जब भी ऋषि मुनि लोग तप यज्ञ हवन करते हैं तो राक्षस लोग विघ्न डालने आ ही जाते हैं। तो बस वही स्वाभाविक सी बात है, राम कथा का आयोजन किया गया था जिसको विघ्न डालने के लिए राक्षस स्वरूपी बिहार सरकार खड़ी होकर के उसको रोकना चाहिए। और गांधी मैदान की जगह जहाँ की राम का प्रवचन होता, लोगों के अंदर धर्म के लिए जागरूकता उत्पन्न होता, उसके जगह पे वो देहाती क्षेत्र मठपाली नवतपुर क्षेत्र में दिया गया है उनको जगह। खैर कोई बात नहीं, कहीं से शुरुआत तो हो। और जहाँ तक सनातन को रोकने की बात है तो इन चंद लोगों से ये सनातन रुकने वाली नहीं है, क्योंकि युगों से रोकने का कोशिश किया गया है, लेकिन सनातन सर्वदा जीवित है और जीवित ही रहे। तो आपने सुनी एक सनातनी की दहाड़ की राक्षस पहले भी आते थे यज्ञ में हड्डी डालने के लिए, और अब भी वह यज्ञ रूपी कथा में हड्डी डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो तेज प्रताप यादव ने बागेश्वर महाराज को धमकी दी है कि अगर वह बिहार में कथा करते हैं तो उन्हें हिंदू मुस्लिम अगर उन्होंने किया तो उनके लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो तेज प्रताप यादव ने यह धमकी दी है। तो आपको बता दें कि बागेश्वर महाराज कथा करने वाले हैं पटना के नौबतपुर में। पहले उनकी पटना के गांधी मैदान में कथा होनी थी, वहाँ से रद्द करवा दी गई। अब 13 से 17 मई तक नौबतपुर में कथा होगी और 12 तारीख को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 51,000 महिलाएं 51,000 कलश लेकर उसके अंदर गंगा जल भरकर और बहुत ही भव्य तरीके से बैंड बाजों के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। और 15 तारीख को होगा वहाँ पर जो महाराज जी दिव्य दरबार लगाते हैं उनमें भक्तों की जो भी उनके संकट होते हैं उनका पर्चा बनाते हैं और सभी के सामने महाराज जी बताते हैं, उनके संकट का निवारण भी वह बताते हैं। तो 15 तारीख को दिव्य दरबार लगेगा। अब तेज प्रताप के यादव के जो समर्थक हैं उनका कहना है कि हम महाराज को एयरपोर्ट पर ही नहीं उतरने देंगे, और सनातनियों का कहना है कि हम भी वहाँ पर पहुँचेंगे, हम देखेंगे कौन महाराज जी को रोकता है। तो जब कथा होगी तब देखा जाएगा कि क्या होता है, महाराज जी कैसे कथा में सनातनियों को उनकी जो भी बुलंद आवाज़ होती है उस आवाज़ से कैसे जगाते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।